शॉट को देख लेते हैं। गदे बिठा के पहला शॉट लगाने के लिए खिलाड़ी आए हैं और अजीत कुमार पहला गोल पहला शॉट को रोकने के लिए तैयार है। संग्राम बेसरा पहला शॉट लेने के लिए और थोड़ा सा ऊपर मार दिए, पहला शॉट यहां पर मिस्टेक हो गया है और पहला ये शॉट गलती होने के वजह से यहां पर जोहार की धरती गगो की टीम को यहां मौका मिलता है। अगर यहां से गोल दागेंगे तो थोड़ा सा बढ़त मिल जाएगा। अब पहला शॉट के लिए इस बार भेजा जा रहा है चार नंबर पगान हस्ता और गोल कीपर पर लखीराम किस्कू। और ये भी यहाँ पर संग्राम की तरह ही उसके पीछे पीछे जा रहे हैं कि संग्राम भाई आपने ऊपर मार दिया, चलो आप ही की तरह हम भी मार सकते हैं और दोनों नहीं गोल कर पाए हैं। दोनों तरफ से पहला शॉट मिस हो गया है। प्रधान सोरेन का शॉट हम लोग देखेंगे, प्रधान सोरेन किस तरह से शॉट लगाते हैं। और बहुत ही सुंदर नेट में गेंद जाकर के फंस गई और इस तरह से एक पहला गोल हो गया है। गदे मीठा दो में एक गोल हो गया है और अब की बार इधर से भी पांच नंबर जैसी मोहन बास्की सेकंड शॉट के लिए। और ये गोल एक एक गोल दोनों तरफ से हुआ है दो दो खिलाड़ी में से। अब विजय सोरेन का शॉट को हम लोग देख पाएंगे। विजय सोरेन इस बार गदय बिठा टीम की तरफ से तीसरे स्थान पर। इसके बाद का खेल के लिए दोनों टीम आप लोग लाइन ऑफ हो जाइए, बाहर से मत देखे, अपने खिलाड़ी को रेफरी स्टेज के पास ला करके रखे। पथना पर हरवा और मरकरी बढ़े लाइन ऑफ हो जाइए। और विजय का शॉट के गोल तीन खिलाड़ी गदे मीठा ने शॉट लगाया, दो खिलाड़ी गोल लगा है, एक खिलाड़ी का मिस हुआ था और अब तीसरा खिलाड़ी शॉट के लाएंगे जोहार की धरती गोगो की टीम की तरफ से। पांडे मरंडे देखना है ये शॉट किस तरह से लगाते हैं पांडे।
और बहुत ही सुंदर पांडे ने भी गोल डाल दिया। पांडे जी बहुत ही अच्छे गोल दागा है टीम के लिए और दोनों टीम आगे भी बराबर है, तीन तीन खिलाड़ी शॉट लगा करके। अब गणेश बिठा का ये चौथा शॉट होगा। एफसी बोर्ना की टीम पिछले साल इस मैदान पर चैंपियन बने थे, लेकिन किसी कारणवश इस साल नहीं आ पाए हमारे बीच, टीम को नहीं उतार पाए। और यहां पर आराम से गोलकीपर ने बचा लिया है। पगान गोलकीपर बदल करके आए थे और योगेश का शॉट को रोक लिया और योगेश काफी निराश भी है क्योंकि गदय बिठा की टीम को परेशानी में डाल दिया। और ऐसे में चौहार की धरती गोगो की तरफ से 10 नंबर जैसी रेल बेसरा शॉट के लिए यहाँ अगर गोल डालते हैं तो कहीं ना कहीं उसके टीम के लिए उसके फेवर में थोड़ा सा मजबूत स्थिति हो जाएगा। रोई अगर एक गोले का था नोडे को थोड़ा गा जस्ती की जीतो या परसेंटेज बढ़ा तक हुआ यह लोग नोडे रेलो बेसरा चिली के ना सोटा लगा हुआ और नाते का प्रधान सरन हो बदल करते हैं इतना उन्हीं बच्चा गड़िया करना सबा। अच्छा गोल शानदार गोल करके यहाँ बढ़त मिलता हुआ जोहार की धरती गोगो की टीम 4-3 गोल और 4-2 गोल कदय बिठा टीम का। अब दोनों टीम के तरफ से एक एक खिलाड़ी बच गया है फर्स्ट राउंड में। बोरन टुडू स्टार खिलाड़ी बोरन टुडू शॉट लगाने के लिए आए हैं। बोरन टुडू का भी गोल, पांच खिलाड़ी में 3 गोल हो गया है गदय बिठा का। और अब पांचवा खिलाड़ी शॉट लगाएंगे जोहार के धरती गोगो टीम की तरफ से विनिंग शॉट होगा। या रहा यानी कि यहां गोल लागेंगे तो जोहार के धरती गोगो की टीम क्वार्टर में पहुंच जाएंगे और गदय बिठा की टीम यहां से बाहर निकल जाएंगे। गोलकीपर को भी रोकना होगा और शॉट लगाने वाले खिलाड़ी को भी गोल करना होगा। परेशानी तो दोनों टीम के लिए है ही और 12 नंबर जैसी पहने हुए खिलाड़ी को भेजा गया है मरांगकोड़ा किसकू, क्या ये मरांगकोड़ा गोल दागेंगे या नहीं। लेकिन सरदार यहां पर रोक लिया, प्रधान सोरेन ने अपनी टीम को बचा लिया है और इस तरह से यहां से दोनों टीम का अब नतीजा 5-5 में 3-3 गोल के साथ बराबरी पर मैच ड्रॉ हो गया है। नडे बनार थी मां मैच इन दो बराबरीदार हो नडे कोई सरेन दे त्रिया हो प्रोसेस ही होगा। अब कंटिन्यू बॉल के तरफ दोनों टीम यानी कि
दोनों तरफ से एक एक खिलाड़ी को जो मौका दिया जाएगा। सीयू दोनों ओर एग्री सेकंड लेग में शॉट लगाने के लिए। और ये भी गोल, गदे भी था कि थी टिकरी ने गोल डाल दिया है। और बाबूलाल सोरेन जहार की धरती गगो की टीम की तरफ से ये भी गोल। अभी भी दोनों टीम बराबरी पर चल रहे हैं, दोनों टीम अभी भी बराबरी पर चल रहे हैं। KKS जॉन टीम गदे बिठा अभी भी ये गोल। टोटल 7 खिलाड़ी शॉट ले चुके हैं गदे बिठा टीम। और इधर से भी अनिल हेमरम को भेजा गया है शॉट के लिए। और इस तरह से आखिरकार KKS जॉन टीम गदे बिठा की टीम इस मैच में जीत गए।